हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर, पीएचडी मैथ्स. बेटा, 11th क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज करने लग रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने इसके 17th क्वेश्चन तक बेटा कंप्लीट कर दिए थे. अब क्वेश्चन नंबर 18th में चलते हैं बेटा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18th में एक सेट सी दे रखे है, आपसे दिया गया है. और अगर आपके पास बेटा ऑब्जेक्टिव पुरानी बुक है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज नहीं मिलेगी. मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना. तो बेटा, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर. बेटा, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है. सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक रूल से लिखना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखना. हर एलिमेंट ना बता के एक रूल बता दी, इसलिए इसको रूल मेथड भी कहा जाता है, या सेट बिल्डर फॉर्म. अब इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे. रोस्टर फॉर्म का मतलब हर एलिमेंट को अलग अलग लिख करके लिस्ट बनानी, इसलिए इसको लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है. अब बेटा, सारे ओड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 2 से डिवाइड ना हो. ओड तो आप जानते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. क्लियर हो गया बेटा? ये था सी सेट. इसके बाद बेटा एक डी सेट और दे रखे है. डी सेट इसने क्या दिया, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर. एक्स इज ए प्राइम नंबर. बेटा, प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है 2, और फिर वो नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, उसके जिनके और फैक्टर ना हो. 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. अब 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद प्राइम है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे इवन नहीं है, है ओड है. क्लियर बेटा? एक 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. तो आपसे इसने पूछा गया सी इंटरसेक्शन डी. बेटा, क्लियर दिखाई दे रहे हैं इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, इनको छोड़ दो. इसके अलावा सारे ही हो गए 3, 5, 7, इधर 9 आएगा बेटा, 11, 13. यानी कि डी जो सेट है ना, उसके सारे एलिमेंट्स आएंगे 2 को छोड़ करके. डी सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि डी के अंदर है प्राइम नंबर. प्राइम में 2 तो है इवन, बाकी सारे के सारे क्या है, ओड ही है. तो डी सेट सारा हो जाएगा 2 को छोड़ करके. तो डी जो सेट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा. किसको छोड़ दिया जाए, 2 को छोड़ दिया जाए. क्लियर बेटा? अब इसने रिजल्ट किस हिसाब से दिया देखते हैं. डी वाला ऑप्शन है बेटा, जो ऑप्शन डी है ना, वो बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में. क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा वी हैव, एक तो ए सेट दे रखे है. ए सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई. इसके बाद बी सेट दिया दूसरा, डी ई एफ जी. अब बेटा आपसे पूछा क्या, ए डिफरेंस बी का इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए के साथ. वैसे तो आप सीधा ही बता सकते हैं, यहां पर तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, और यहां पर बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल. लेकिन अगर फाइंड आउट भी करवाए तो आप बता भी सकते हैं, यहाँ तो बेटा ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो. ए डिफरेंस बी का मतलब होता है इट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए ओनली एंड डू नॉट बिलोंग टू बी. केवल ए से बिलोंग करे, ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा बेटा, फिर सी हो जाएगा. डी और ई नहीं लेंगे क्योंकि वो बी में बिलोंग करते हैं, इंटरसेक्शन. अब बी के वो एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग ना करें, डी नहीं लिया जाएगा, ए से बिलोंग करता ई भी नहीं लिया जाएगा, एफ और जी हो जाएगा. अब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स. तो जहाँ कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं, उस सेट को हम बोलते हैं नल सेट, या वॉइड सेट, या एम्प्टी सेट. और इसकी नोटेशन या तो फाई से करते हैं, या केवल कर्ली ब्रैकेट लगा दें, अंदर ना लिखे कुछ भी, इसको नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं. इसलिए जो आपका ए ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा. क्लियर? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में. क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बोलता है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट. सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, देखिए मैं बताता हूँ. इसकी ए वाली स्टेटमेंट है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों इक्वल नहीं है,
यूनियन में तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, चाहे ए सेट की बी से यूनियन कर दो, चाहे बी का ए से यूनियन कर दो, रिजल्ट इक्वल होता है, ये कहता नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। इसके बाद बी वाला ऑप्शन, बी के अंदर इसने क्या बताया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, उसके मुताबिक क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो यूनियन है वहां पर इसने इंटरसेक्शन लगा दिया, जो इंटरसेक्शन वहां पर यूनियन लगा दी, इसलिए ये रिजल्ट गलत हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, इसको जब आप अलग अलग करते थे तो रिजल्ट बनता था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसा होना था, जबकि ऐसा नहीं लिख रहे तो ये गलत है। सी डिस्ट्रीब्यूट, हमने ऐसा प्रूव भी किया था क्वेश्चंस में, ठीक है। सी वाले रिजल्ट के अंदर ये क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें भी आप जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये बिल्कुल सही है, जो इसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई ये बिल्कुल सही है, क्लियर। और डी वाले ऑप्शन में चलो एक बार बता तो देते हैं, ये बोलता है ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन करेंगे, तो पता है आपको ए तो यूनिवर्सल का भी सबसेट होता है, तो यू आना चाहिए, लेकिन ये बोलता है ए आएगा, जो हाँ इंटरसेक्शन होता तो ये आता है, तो इसका मतलब गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा ना, वो आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, एक सेट ए दिया, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ टू, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ टू, एक्स टू का मल्टीपल है, नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सोन, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट हो। और बेटा ये थी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रूल मेथड भी कहते हैं, इसमें एक क्वेश्चन को एक रूल से लिखा गया, एक प्रॉपर्टी से लिखा गया, और अब हर एलिमेंट अलग अलग बता दिया, इसलिए इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, पहले भी आपको बताया था। इसके बाद दूसरा सेट दिया बेटा बी, बी सेट इसने क्या दिया, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5, बेटा वो सारे नेचुरल नंबर लो जो 5 के मल्टीपल हो, तो क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सोन, ये भी इनफाइनाइट सेट है, इसमें भी एलिमेंट्स की संख्या अनकाउंटेबल है, नेचुरल नंबर तीन फाइनाइट होते हैं बेटा। इसके बाद एक सेट दिया सी, सी सेट इसने क्या दिया, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो नेचुरल नंबर जो 10 से डिविजिबल हो, 10 की टेबल में आते हो, 10 के मल्टीपल्स हो, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सोन, ये बेटा इनफाइनाइट सेट है। अब आपसे पूछा क्या गया, अब आपसे पूछा गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये पूछा गया, तो पहले तो आप इसको लिखेंगे ए सेट, ए सेट है बेटा 2, 4, 6, 8 एंड सोन, यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी सेट, बी सेट है 5, 10, 15 एंड सोन, इंटरसेक्शन सी सेट, सी है 10, 20, 30 एंड सोन, और ब्रैकेट बेटा क्लोज होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। पहले हम वो चीज़ सोल्व करते हैं जो ब्रैकेट में होती है, तो ब्रैकेट में तो बी और सी का इंटरसेक्शन है, तो ये सेट एज इट इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सोन, यूनियन और बेटा इन दोनों के इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन, ये 5 के मल्टीपल्स, ये 10 के मल्टीपल्स, तो 10 के मल्टीपल्स कॉमन आएंगे, 10, 20, 30, 40 एंड सोन। अब सुनिए बेटा, ये 10 के मल्टीपल्स,
ये 2k मल्टीपल्स, तो 2k मल्टीपल्स में 10k मल्टीपल तो काउंट हो ही लिए सारे के सारे, तो आपने करनी है यूनियन। यूनियन का मतलब इट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू दिस और बिलोंग्स टू दिस और बिलोंग्स टू बोथ, तो इसमें सारे के सारे डाल लेंगे, तो इसलिए आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड सोन ये आ गए। और इंटरसेक्शन होता कॉमन, तो कॉमन ही होते 10k मल्टीपल्स, लेकिन अब भाई यूनियन ध्यान दे ऑपरेशन पे। तो बेटा आपके पास वापिस रिजल्ट ए ही आ गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। इसलिए जो बी है ना वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर तीन सेट्स दे रखे हैं, एक सेट दिया ए, ए सेट दिया 4, 5, 8, 12, दूसरा सेट दिया बेटा बी, बी दिया 1, 4, 6, 9 एंड तीसरा सेट दिया बेटा सी, सी सेट है 1, 2, 3, 4, तीन सेट्स दे रखे हैं। आपसे क्या पूछा, ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए। बेटा आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है, पहले हम वो चीज़ सोल्व करेंगे जो ब्रैकेट में होती है, BODMAS पढ़ रखे हैं ना 9th-10th में। तो ए सेट है 4, 5, 8, 12, ये सारे फाइनाइट सेट्स हैं, यानी कि इसमें काउंटेबल है एलिमेंट्स, आप काउंट करके बता सकते हो कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको बेटा काउंटेबल यानी कि फाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसमें हम काउंट करके बता ही नहीं पाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में था इन फाइनाइट सेट। डिफरेंस ब्रेकेट स्टार्ट बी सेट, सेट तो हमेशा करली ब्रेकेट में लिखा जाता है 1, 4, 6, 9, डिफरेंस ए। हाँ जी, ए क्या है 4, 5, 8, 12, ए है, ध्यान देना, सी का कोई यूज नहीं इसके अंदर, वैसे दे रखे है या फिर क्वेश्चन में गलती है। तो बेटा पहले वो चीज़ सोल्व करेंगे जो ब्रेकेट में होती है, 4, 5, 8, 12 एज इट इज डिफरेंस। अब इस सेट के वो एलिमेंट्स जो आगे ना हो, डिफरेंस का मतलब ये होता है जैसे ए डिफरेंस बी है, तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो एक तो क्या आ जाएगा 1, 4 नहीं आएगा, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 9, क्लियर है। अब इस सेट के वो एलिमेंट्स जो यहाँ पे बिलोंग ना करते हों, 4, 5, 8, 12, यानी कि आपके पास वापस रिजल्ट ए ही आ गया, क्लियर है। तो 22 के अंदर बेटा ऑप्शन ए है ना वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं, तो इसने सी सेट वैसे दे रखा है फालतू में, इसका कोई यूज नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या बोलता है, ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, वी हैव ए एंड बी आर डिसजॉइंट। बेटा डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसा भी कह सकते हैं कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है ना वो नल सेट होगा, डिसजॉइंट सेट्स ही होते हैं। जैसे ये तो सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बताओ ए यूनियन बी, तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इवन में कॉमन एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो यूनियन के अंदर ए के एलिमेंट्स अलग बी के अलग, इसका रिजल्ट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये बेटा इसका रिजल्ट होगा। अब ये रिजल्ट आपका कौन सा है, ए, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। क्योंकि ए में और बी में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो जब यूनियन करेंगे तो ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो टोटल करेंगे तो उनकी टोटलिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस ये प्रॉपर जो ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशन बेटा आपको बता रखे हैं, अच्छे से पता होने चाहिए, वीडियोज को सीरीज वाइज देखते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है, एक सेट एस दे रखे है, एस सेट दिया ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, लेस देन 100, बेटा 100 से लेस हो और 3 का मल्टीपल हो, तो बेटा क्या हो जाएगी आपके पास 3
सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड सोन, और बेटा लास्ट में आ जाएगा 99। क्लियर हो गया? 100 से लेस है, 3 के मल्टीपल सब पॉजिटिव है। इसके बाद बेटा इसने एक सेट दिया पी, पी सेट क्या दिया इसने, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से लेस है और प्राइम नंबर होनी चाहिए बेटा। तो प्राइम नंबर एक तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 11, 13, 17, 19, ये है बेटा। यानी कि एक 2, 3 एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। क्लियर हो गया? एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है। तो सुनिए मैं यहीं पर बता देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हाँ कितने हैं बेटा, 33। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बेटा काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अगर दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते, अलग अलग होते, तो इनके एलिमेंट्स 33 प्लस 8 यानी कि 41 होते, लेकिन अब 3 तो दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो बेटा P और S का जब इंटरसेक्शन करते हैं तो एक एलिमेंट आता है 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू कितना है, केवल एक एलिमेंट है। अब आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। तो बेटा एस में आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 33, सॉरी ए और बी ना हो के बेटा एस और पी नाम है, ये नाम है एस और ये है पी। तो एस में तो है 33 और पी में आपके पास है 8, यानी कि टोटल 41 एलिमेंट्स हैं। अब आपके पास आंसर हो जाएगा बी, बी आपका आंसर हो गया। बट अगर पूछ लेता कि यूनियन में एलिमेंट्स बताओ, तो यूनियन में बेटा एक कम एलिमेंट हो जाता, क्योंकि एक एलिमेंट दोनों में कॉमन है, इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं, ये तो मैंने वैसे बताया आपको, ठीक है बेटा। तो बी वाला आपका पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, 24th क्वेश्चन तक आपके पास थे सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है 25 क्वेश्चन में, देखिए 25 में बोलता है दिस सेट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 कैन बी रिटर्न एच। बेटा ये लाइन है, इस लाइन पे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते, इसलिए नंबर लाइन बनेगी। यहाँ पे आपके पास है 1, यहाँ पे आपके पास है 2। बेटा आपने 2 को काउंट नहीं करना, छोड़ देना है, 1 को काउंट करना है, शामिल करना है। बेटा आपने इंटरवल्स पढ़े थे, एक तो था क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये दोनों पॉइंट भी शामिल हो और बीच का भी अर्ध नंबर शामिल हो। एक बेटा था ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब ये दोनों नंबर शामिल नहीं होते, बीच बीच के शामिल होते हैं, एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अब बेटा आप इसको ये बोलेंगे कि एक इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे 1 2, 2 की तरफ बेटा ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि 2 शामिल नहीं है और 1 शामिल है, और बीच के तो बेटा है ही है, जैसे कि लाइन को देखो डार्क कर रखे है। ग्राफ को देखेंगे तो क्यों अच्छे समझ में आएगा, ये लाइन है, लाइन के ऊपर यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, क्योंकि लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड में नंबर छोटे होते जाते हैं, राइट हैंड में नंबर बड़े होते जाते हैं, ठीक है बेटा। तो 1 और 2 के बीच में आपसे पूछे कोई कितने के रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अगर वैसे होते तो हम सेट ही बना देते, केवल 1 और 2 एलिमेंट होते तो हम सेट, लेकिन रियल नंबर बोलता है। अगर नेचुरल बोलता तो केवल 1 आता, अगर यहाँ नेचुरल बोलता तो केवल 1 आता, लेकिन इसने कहा रियल नंबर, तो रियल नंबर तो ये सारे ही हैं जो 1 और 2 के बीच में होंगे। तो बेटा इसको सेट की फॉर्म में नहीं, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू दिस, क्लियर हो गया होगा, ये था बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर एक सेट ए दे रखे है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो सब सेट्स कितने होते हैं बेटा? 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 4 सबसेट्स होंगे। और इसने पूछा पावर सेट ऑफ ए बताओ, तो पावर सेट एक सेट होता है किन का? सबसेट्स का। अब इसके सबसेट्स लिख दो, एक तो नल सेट होता है, एक बेटा जो खुद होता है वो भी अपना सबसेट होता है, सबसेट की जब डेफिनेशन बताई तब बताया था, एक बेटा सिंगल 1 ले लीजिए, एक सिंगल 2 ले लीजिए, देखो 4 हो गए कि नहीं हो गए, और इनका जो सेट होता है उसको बोलते हैं बेटा पावर सेट। तो आपसे बेटा इसका पावर सेट पूछा गया था, क्लियर हो गया? ये बेटा आपका आंसर है, यहाँ पर ये आंसर था, ठीक है बेटा। तो आपके क्वेश्चंस बेटा 26 तक हो गए, आगे के क्वेश्चंस बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।